रात 2 घंटे मतलब आते 24 घंटे हो ही नहीं सकते। तो अगर हम लोकल लोगों को आर्मी की आरा के मुताबिक लेंगे तो अगर बाहर का बंदर 2 घंटे काम करेंगे तो आप इनसे 8 घंटे भी काम ले सकते हैं, क्योंकि आपके सामने होगा, अभी के हाथों में पल्ला बड़ा होगा। इसमें भी आप तजावीज़ दे दें, हमने एक निज़ाम मंजूर कर लिया है पिछले लास्ट वीक, वॉच एंड वॉट के नाम से है, सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए हो गई मुकम्मल, और इसका निज़ाम होगा मुतल्लिक़ पुलिस स्टेशन के साथ। मैं शरण बैठे इनको शायद पता भी हो जो पुराने ये सिस्टम था और काफ़ी फ्रूटफुल था और काफ़ी इसके चला अच्छे आसान आएंगे। सरिसाक साहब चले गए, उन्होंने भी कहा कि पहले 1-2 मार्च के होते थे और पूरा शहर गीला भी होता, चूना वगैरह भी रोड के साइडों पर पड़ा होता और खूबसूरती भी होती। तो उस हवाले से आप अपनी तजावीज़ दे दें। पेशावर के लिए हमने पहली दफ़ा हम खासकर मेन सिटी जो है उसको हमने कंसिडर किया और इस बजट में हमने ह्यूज अमाउंट रखा है सेफ सिटी के लिए, और इसमें हम FDCs लगा रहे हैं, फेस डिटेक्शन कैमरास। जितने भी हमारे इन आउट्स होंगे मेन मेन शहराओं पे, मेन मेन बाजार्स में, किसानी बाजार, चौक के अंदर, करीब पूरा घंटागर, जीटी रोड यानी हजनगरी, अगर एक बाजार का नाम रह गया तो मैं पेशावर की बात कर लूँगा, जितने भी हमारे मेन सिटीज है, मेन एरियाज हैं, मेन बाजार्स हैं, उस पर हम FDCs लगा रहे हैं। इस हवाले से मेरी CCP साहब से मीटिंग हुई थी 2 दफ़ा।